हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जो फोर्थ पोएम है गुड टिम्बर, उसको पढ़ेंगे। तो गुड टिम्बर ये हमारे पास फोर्थ पोएम है हमारे बुक की, फर्स्ट ईयर इंग्लिश की। तो इसमें जो है वो हमें टिम्बर्स के बारे में पढ़ना है। टिम्बर्स क्या होते हैं? टिम्बर्स जो है वो एक लकड़ी को कहते हैं। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें लकड़ी मिलती है, और उनमें से कुछ लकड़ी जो है वो ख़राब होती है और कुछ लकड़ी जो है वो अच्छी होती है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो गुड टिम्बर उस अच्छी लकड़ी को कहते हैं। टिम्बर जो है एक्चुअली में टिम्बर एक दरख्त का नाम है। तो गुड टिम्बर का मतलब ये है कि अच्छी लकड़ी जिसे हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गुड टिम्बर एक लकड़ी है और उसके जो है प्लांट्स और इंसानों को जो है वो ये कंपैरिजन में ये एक पोएम लिखी गई है। इसमें जो है वो हम सबसे पहले प्लांट्स को देखेंगे, उसके बाद जो है वो इंसानों को देखेंगे कि इंसान प्लांट्स से किस तरह डिफरेंट है, इंसान को क्या करना चाहिए और प्लांट्स क्या क्या करते हैं, मतलब प्लांट्स को देखकर हम जो है वो इंसानों को क्या करना चाहिए। एक मोटिवेशनल पोएम है, एक इंस्पायरिंग पोएम है जो हमें ये बताती है कि हमें जो है वो अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमें जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ों को एक्सप्लोर करके, चीज़ों को कॉम्पीट करके, हमें जो है वो कॉम्पिटिशन में आना चाहिए, और हमें जितने प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये एक पोएम है, चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और हमें देखते हैं हमें क्या इसमें जो है वो लेसन सीखने को मिलता है। तो द पोएम है गुड टिम्बर। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्री रीडिंग में एक क्वेश्चन दिया गया है, द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्री। ये एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्री, मतलब जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी तेज़ हवा होगी, उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग वो ट्री होगा। मतलब जिस ट्री को ज़्यादा हवा लग रही है, जिस ट्री को ज़्यादा विंड लग रही है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि रीड द लाइन एंड गेज द थीम ऑफ द पोएम। अब हमें ये लाइन पढ़नी है और हमें ये बताना है कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा गेज करते हैं कि द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्री, मतलब जितनी तेज़ विंड होगी, जितनी तेज़ हवा होगी, उतना तेज़ ट्री होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक ट्री है जिसको अगर ज़्यादा विंड लग रही है, ज़्यादा हवा लग रही है, तो ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसान अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेगा, ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करेगा, तो वो भी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज़्यादा वो जो है वो डिसीजन मेकर बनेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस लेसन में हमें जो है वो एक तरह से हिम्मत का, एक तरह से मोटिवेशन का पोएम जो है वो मिल रहा है, इंस्पायरिंग पोएम है, एक लेसन मिल रहा है हमें। तो इस चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। गुड टिम्बर बाय डॉगलस मैलक। डॉगलस मैलक जो है वो ये इनके पोइट का नाम है, इन्होंने ये एक कंपेरिजन पोइम लिखा है। तो चले इस पोइम को पढ़ते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन नेवर बिकेम द फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड एज अ स्क्रैबी थिंग। तो ये हमारे पास जो है वो पहली स्टेंजा थी। स्टेंजा इसकी जो है वो टोटल छः लाइन पे मुश्तमिल है। मतलब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेस्टेट कहते हैं। जिस स्टेंजा में जो है वो छः लाइनें हों उसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो ये सेस्टेट स्टेंजा है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। ट्री दैट नेवर हैड टू टॉयल हैड टू फाइट, वो दरख्त जिसको कभी भी फाइट नहीं करनी पड़ी, जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा अपना अपनी चीज़ें, अपनी जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कभी लड़ना नहीं पड़ा। फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज के लिए, आसमान के लिए, और हवा और रोशनी के लिए, उसको कभी ये चीज़ें हासिल करने के लिए कभी लड़ना नहीं पड़ा, उसको ये चीज़ें बैठे बिठाए मिल गई। मतलब एक दरख्त है जो किसी धूप में खड़ा हुआ है,
तो उसको कभी भी सूरज की रोशनी किसी से मांग कर या किसी से लड़कर हासिल नहीं करनी पड़ेगी। स्काई, एयर, लाइट, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पर खड़े खड़े बैठे बिठाए मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मांगने के लिए, मतलब उसको हासिल करने के लिए कभी लड़ना नहीं पड़ा, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, ऑलवेज गॉट आउट इट्स शेयर ऑफ रेन, और हमेशा एक ओपन प्लेन, एक खुले मैदान में खड़ा रहा। ओपन प्लेन कहते हैं खुले मैदान को, तो खुले मैदान में जो है वो ये हमेशा खड़ा रहा। ऑलवेज गॉट आउट गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और हमेशा वो अपना, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो उसके जो हमारे पास बारिश होती है, बारिश में उसका जो हिस्सा है, जितना उसको पानी चाहिए, जितनी उसकी ज़रूरत है, वो हमेशा उसको मिलती रही, खुद ब खुद चीज़ें उसको मिलती रही। और उसने कभी भी फाइट नहीं किया, उसने कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया, उसने कभी भी चैलेंजेस को फेस नहीं किया। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, और ये जो दरख्त है ये कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता, फॉरेस्ट किंग कभी नहीं बना। मतलब फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं जो जंगल का बादशाह हो, जो सब पे राज करता हो, तो ये कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बना। ये कमज़ोर और एक बेकार सी चीज़ रह गया, बट लिव्ड एंड डाइड एज अ स्कर्वी थिंग। और ये जो है स्कर्वी कहते हैं नाकारा, यूज़लेस, बेकार या कमज़ोर या वीक, तो एक कमज़ोर चीज़ की तरह वो रहा और मर गया। मतलब पहले ज़िंदगी अपनी जीकर वो कमज़ोर चीज़ की तरह वो मर गया, लेकिन उसने कुछ भी अपना नाम नहीं बनाया, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, उसको सारी चीज़ें खुद बैठे बिठाए मिलती गई और वो जो है वो अपनी ज़िंदगी जी के चला गया। तो इसमें जो है वो इसने कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया। तो जिसने कभी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, जिसने कभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो इसीलिए आगे वाली स्टेंजा में हमें एक इंसान का मिसाल दे रहा है कि अगर इंसान भी अगर ऐसा करे तो क्या होगा। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, एक इंसान जिसको कभी, टॉयल कहते हैं मेहनत मजदूरी, कहते हैं स्ट्रगल को, तो एक इंसान जिसने कभी मेहनत नहीं की, कभी स्ट्रगल नहीं किया, कभी चैलेंजेस को फेस नहीं किया, ऐसा इंसान जिसने कभी भी मेहनत मजदूरी नहीं की, टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ लैंड, अपना हासिल करने के लिए अपनी ज़मीन का जो टुकड़ा है, अपना ज़मीन, अपनी ज़मीन जो है उसको हासिल करने के लिए, अपने हक जो है वो उसको हासिल करने के लिए उसको कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। Who never had to win his share, जिसने कभी भी अपना शेयर, अपना हिस्सा जो है वो कभी जीता नहीं, उसको खुद ब खुद मिल गया। जिसने कभी भी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो ज़रूरत हैं, उसको जीता नहीं, उसको खुद ब खुद चीज़ें मिल गई। ऑफ सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज की स्काई की, लाइट और एयर हवा की, तो ये सारी चीज़ें जो उसको खुद ब खुद मिल गई। नेवर बिकम अ मैनली मैन, ये इंसान कभी भी मैनली मैन नहीं बन सकता, कभी भी मैनली मैन नहीं बना। मैनली मैन क्या, मर्दाना इंसान, जो हिम्मत वाला इंसान है, जो बड़ा मेहनती इंसान है, तो ये कभी भी मर्दाना एक इंसान नहीं बना। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगिन, और वो जैसे स्टार्ट हुआ था, जैसे शुरू हुआ था, जैसे पैदा हुआ था, वैसे ही वो मर गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब उसने अपना कोई भी नाम नहीं बनाया, ठीक है, उसने जो है वो उसने कभी मेहनत मजदूरी नहीं की, अपनी जो है वो अपनी सॉयल, अपनी जो ज़मीन है उसको हासिल नहीं किया, कभी भी कुछ जीता नहीं, बल्कि ऐसे ही चीज़ों, जो चीज़ें उसको मिलती गई वो यूज़ करके वो अपनी ज़िंदगी जी के चला गया, उसने अपना नाम नहीं बनाया। तो ऐसा इंसान कभी भी जो है वो मैनली मैन नहीं बन सकता। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, आगे वाली स्टेंजा में क्या कह रहा है। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज़, कहते हैं आसानी से, सहूलत से। तो गुड टिम्बर जो है वो, अच्छी लकड़ी जो है वो आसानी से ग्रो नहीं होती, अच्छी लकड़ी जो है वो ऐसे ही कहीं पर ग्रो नहीं हो सकती। द स्ट्रॉन्गर द विंड द स्ट्रॉन्गर द ट्री, जितनी तेज़ विंड होगी, जितनी तेज़ हवा होगी, उतना ही सख्त जो है वो ट्री बनेगा। जो दरख्त जो विंड को ज़्यादा झेल रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। द फर्दर द स्काई द ग्रेटर द लेंथ, जितना तेज़, जितना बड़ा जो है वो आसमान होगा, जितना बड़ा आसमान है, द ग्रेटर द लेंथ, उतना ही बड़ा वो ट्री है, उसकी लंबाई उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब जितना ज़्यादा वो चैलेंजेस को फेस करता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को फेस करता है, जितने ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता है।
जितना ज़्यादा आसमान होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, मतलब वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को ग्रो करेगा। द मोर द स्ट्रॉम द मोर द स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा तूफान वो झेलेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ताकत बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जितने ज़्यादा वो तूफानों को देखेगा, जितने ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मोर बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड स्नो, तो ये जो है हमारे पास अपोजिट वर्ड्स हैं, इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। बाय सन एंड कोल्ड, सूरज से मतलब रोशनी से, और ठंडाई से। बाय रेन एंड स्नो, बरसात और स्नो बर्फबारी से। तो दोनों से, इन सभी कंडीशंस में वो गुज़र के जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन ट्रीज़ एंड मैंस, इंसानों में और लकड़ियों में। गुड टिम्बर्स ग्रो, अच्छी लकड़ियां जो है वो ग्रो करती हैं। अच्छी लकड़ियां मतलब यहाँ पर अच्छे इंसान जो है वो भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। लास्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। वेयर थिकेस्ट लाई द फॉरेस्ट ग्रोथ, जहाँ पर जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसकी उसमें जो लकड़ियाँ हैं, उसमें जो दरख्त हैं वो थिक होते हैं, मतलब ज़्यादा दरख्त किसी जगह पर मौजूद होते हैं तो उसे बोलते हैं थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। जहाँ पर फॉरेस्ट की ग्रोथ जो वो थिक होती है, जहाँ पर ज़्यादा दरख्त होते हैं। वी फाइंड द पैट्रियार्च ऑफ बोथ, हम जो है वहाँ पैट्रियार्च कहते हैं लीडर्स को, सरपरस्त को, जो लीडर हैं, तो उनको हम वहाँ पर फाइंड करते हैं। तो जो लीडर्स वो हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं, मतलब किसी अगर किसी जंगल में दरख्त ज़्यादा हैं, किसी जंगल में दरख्त अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर अगर कोई पानी आता है तो ज़्यादा दरख्त जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा दरख्त उस पानी को ले जाते हैं। उसमें जो है वो ज़्यादा अगर कोई दरख्त उसमें अगर पानी लेता है तो वो दरख्त जो है वो लीडर होता है वहाँ का। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो है वो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ही जो है वो लीडर्स ग्रो करते हैं। As they hold counsel with stars, और वही लोग जो है वो counsel मतलब बात करना, तो वही लोग जो है वो सितारों से बातें करते हैं, मतलब वही लोग जो है वो आसमान को जाके छूते हैं। Whose broken branches show her scars, scars means जख्म, जिसकी जो है वो टूटी हुई ब्रांचेस मतलब उसके जो ज़ख्म हैं, उसकी टूटी हुई ब्रांचेस हैं, उसके उस पे जो मतलब कॉम्पिटिशन उसने फेस किया है उसमें जो उसको ज़ख्म आए हैं वो उसके जो है वो ज़ख्मों को दिखाता है, उसकी जो टूटी हुई ब्रांचेस हैं उसके ज़ख्मों को दिखाती हैं। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, बहुत सारी हवाओं और बहुत सारी कोशिशों के बाद, तो उसको जो ज़ख्म लगे हैं कोशिशों के बाद वो सारे जो है वो उसकी टूटी हुई ब्रांचेस बताती हैं। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, यही जो है वो ज़िंदगी का एक कॉमन लॉ है, यही एक कानून है ज़िंदगी का। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा था कि जैसे गुड टिम्बर्स होते हैं, जैसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं, वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं करती, उसे जो है वो फाइट करना पड़ता है अपने हक के लिए, उसे फ़ाइट करना पड़ता है। अगर इंसान भी इस तरह जो है वो अच्छी लकड़ी की तरह जो है वो मेहनत करे, टॉयल करे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, जो चीज़ें उसे फ्राम हो रही हैं उनको छोड़कर वो ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिशन में आए तो वो जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो डॉगलस मेलक की ये पॉइम आज की हमारी हुई कम्प्लीट। अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।